कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। इस बार चुनाव लड़ने वालों में कई बड़े नेता शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी जैसे कई दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जेडीएस के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उसका राजनीतिक पतन निश्चित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज अपना वोट डाला। हुबली में सीएम बोम्मई ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मतदान केंद्र पहुंचने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की। बेंगलुरु में वोट डालने के बाद निर्मला सीतारमण ने महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि महंगाई के मुद्दे पर वो जनता के साथ हैं, जनता पर महंगाई का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने राज्य की जनता से अपील की है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि कर्नाटक के लोगों से, विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के त्योहार को समृद्ध बनाएं। इसके साथ ही पीएम ने पंजाब में जालंधर संसदीय सीट और मेघालय, ओडिशा और यूपी की विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर निकलने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। देश में बुधवार को कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव दर्ज किया गया है, लेकिन 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। वहीं जयपुर में पेट्रोल 108.67 रुपए और डीजल 93.89 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। पटना में पेट्रोल 18 पैसे और डीजल 17 पैसे सस्ता हुआ है। लखनऊ की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 96.47 रुपए और डीजल की कीमत 89.66 रुपए प्रति लीटर है। देश में आज यानी 10 मई 2023 को सोने की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 62,000 रुपए के पार है। गुड रिटर्न्स के आंकड़ों के मुताबिक नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 62,280 रुपए है। वहीं मुंबई और कोलकाता की बात करें तो 22 कैरेट सोने की कीमत 56,950 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत 62,130 रुपए तय की गई है। अगर चांदी की बात करें तो इसकी कीमतों में आज 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली है।